हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्टर मुनीम, आइए आपको इमरान की 14 पिन रिले 110 वोल्टेज, ये रिले है 14 पिन की है, इसकी इनपुट कॉइल की 110 वोल्टेज है। तो बेसिक इसके बारे में आदमी को बताना चाहिए, एक्सेलरीज कंटैक्ट कैसे इंटरलॉकिंग करनी है, इसके ऊपर कंटैक्ट जो हमारे ओपन भी होते हैं, इसमें क्लोज भी होते हैं, इंटरलॉकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, वैसे ही 24 वोल्ट सप्लाई के लिए भी कंटैक्ट यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें आपको कंटैक्ट के बारे में ज़रूरी पता होना चाहिए कि आपके कंटैक्ट कौन से हैं। आप आँखें नोट कर केबल लगाएंगे बेस के ऊपर, ये बेस के ऊपर लगती है ना, 14 पिन की है, 13-14 के ऊपर उस पर सप्लाई दी जाती है 110 की। इसके जो नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन पॉइंट जो होते हैं, 1 to 5 क्लोज है, 1 to 5 ओपन है और 1 to 9 क्लोज है, 2 to 10 क्लोज है और 2 से 6 ओपन है, 3 से 7 ओपन है, 3 से 11 क्लोज है, 4 to 8 ओपन है और 4 to 12 ये उसका क्लोज पॉइंट है। यही तरीका होता है इसको पढ़ने का, प्रॉपर इस कंटेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अभी कहीं भी इंटरलॉकिंग करनी है, जब ये इसको सप्लाई दी जाती है ना, जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो नॉर्मली ओपन होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, यही इसका सिस्टम होता है। आपने कोई भी इंटरलॉकिंग कर रही हो, किसी मोटर को, किसी सेंसर को सप्लाई देनी हो, तो आप ये रिले यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 110 की आपकी रिले है, तो आपको सेंसर को हमने या किसी मोटर किसी ट्रांसफार्मर को 220 देनी हो, तो आप एक्सेलरी के थ्रू 220 दे सकते हैं, कॉइल को डायरेक्ट सप्लाई 220 नहीं दे सकते। जब नॉर्मली या रिले होल्ड होगी तो उसका नॉर्मली जो क्लोज होगा वो ओपन हो जाएगा, जो नॉर्मली ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा, तो उसके साथ सप्लाई इसको 220 मिलती रहेगी। इसी का रिले का यही फंक्शन होता है, किसी को 110 रिले ऑन करा के उसको 220 सप्लाई देनी हो या 24 वोल्ट सप्लाई देनी हो, ये इसका बेसिक काम है, बेसिक तरीका है इसका काम करने का। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सरप्राइज कीजिएगा, नई नई वीडियो अब तक पहुँचे, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और आइकॉन बेल को दबा दिया करें कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी बेसिक तरीका ये होता है, ये इसके कॉन्टैक्ट नंबर है, ऊपर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बेस के ऊपर भी लिखे होते हैं, ये इसके नीचे भी लिखे होते हैं, 114 जो पॉइंट है इसके। तो ये तरीका होता है इसको रिले को होल्ड कराने का, या कहने की इसकी अभी ड्राइंग भी मैं साथ लगा दूँगा कॉन्टैक्ट की, इसके ऊपर तो ऑलरेडी बनी हुई नहीं है, तो इसके साथ मैं आपको ड्राइंग भी लगा दूंगा, ये कैसे इसकी कौन कौन सी सप्लाई देनी है, कहाँ कहाँ से आप नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन पॉइंट है आपके। तो ये तरीका होता है रिले को होल्ड करने का या ऐसे काम लेने का। तो ये 12 रिले हैं हमारे पास, हम मुख्तलिफ सर्किटों में यूज़ करते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।